गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हाथी और भंवरे की दोस्ती। एक बार कुछ भंवरे शहद पीने के लिए कमल के फूलों वाले तालाब पर आए। उनमें से एक भंवरा बड़ा लालची था। उसके सारे साथी रस पीकर चले गए, लेकिन वह रस पीने में मस्त रहा। रात हो गई, कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगी। इससे बेखबर बेचारा भंवरा सो गया। खर्राटे खर्राटे खर्राटे, देखिए फूल बंद हो गया और भंवरा उसमें सोया रह। जब उसने आंखें खोली, हर तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था। वह दुखी हो गया, ऊँ करने लगा, रोने लगा ऊँ करके। वो अब तो कमल तभी खुलेगा जब सूरज निकलेगा, तब तक मुझे इसमें बंद रहना। लेकिन क्या हुआ, हाथी आ रहे हैं। इतने में हाथियों का झुंड उधर, वे सब तालाब में नहाने और खेलने लगे। तभी एक हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ और तालाब से बाहर फेंक दिया। बेचारा भंवरा उसी फूल के अंदर बंद था। यह फूल अब कभी नहीं खुलेगा, वह रोने लगा। नहाने के बाद हाथियों का झुंड लौट गया, पर एक हाथी वही, एक नन्हा हाथी। उसे घास में रोने की आवाज़ सुनाई दी, ऊँ ऊँ। उसने देखा कि वहाँ कमल का एक फूल पड़ा है, रोने की आवाज़ उसी में। नन्हे हाथी ने अपने सूंड से कमल का फूल खोल। एक भंवरा झट से बाहर कूदा। हेलो नन्हे भंवरे, हाथी बोला। हेलो नन्हे हाथी भंवरे, दोनों खुश हो गए, दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो ये थी आपकी आज की कहानी, हाथी और भंवरे की दोस्ती। अब आपने क्या करना है, इस कहानी में जितने भी क से शुरू होने वाले शब्द और र से शुरू होने वाले शब्द, या ल से और क, क से, न र ल क, इन चार वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों को कॉपी पर लिखना है आपने। थैंक यू।